Each of two vowel and three consonant can be formed from the letters of the word daughter. तो जो डॉटेड जो वर्ड था उसमें हमें क्या करना था, पहले टू वोवेल और थ्री कंसोनेंट को सिलेक्ट करना था, उसके बाद जो फाइव लेटर हो गए उससे हमें ये निकालना था कि कितने वर्ड फॉर्म हो सकते हैं, है ना। इससे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर हमें जो वर्ड यूज करना है वो है इक्वेशन। इक्वेशन से इक्वेशन इक्वेशन ही है ना। एट ए टाइम सो दैट द वोवेल एंड टू कंसोनेंट ओकर टूगेदर, मतलब ये चाहते हैं इसके वोवेल और कंसोनेंट एक ही जगह है, एक ही साथ आए, है ना। इसमें जो है वोवेल वो कौन से हैं आपके, ई यू आ रहा है, ए भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, पांचवें वोवेल आ रहे हैं आपके, ठीक है। और कंसोनेंट कौन कौन से हैं, कंसोनेंट है आपका क्यू है, टी है और एन। तो टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 में 5 वोवेल आ रहे हैं और 3 कंसोनेंट आ रहा है, ठीक है। इससे हमें जो वर्ड फॉर्म करना है, लेकिन वर्ड फॉर्म करते समय ये ध्यान रखना है जो वर्ड होना चाहिए वो वोविल एक साथ हो और कंसोनेंट एक साथ, ठीक है। ये पूरा एक लेटर का काम करेगा। जैसे ये आपका पूरा मान लो ये कितना है, ये सपोज करो ये कोई भी लेटर है, मान लो ये एक्स है, ये आपका वाई है, यानी कि दो लेटर है आपके पास। तो दो लेटर से क्या वर्ड बन सकते हैं, एक्स वाई और वाई एक्स ही बन सकता है ना। एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि दो लेटर एक साथ रहने हैं तो ये दो लेटर का काम करेंगे, दोनों ये वोविल एक साथ रहने हैं और कंसोनेंट एक साथ रहने हैं, ठीक है। अगर हम वोविल को एक सपोज कर लें कि एक ही है, एक ही एलिमेंट है, एक ही लेटर है, तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी हो जाएंगी, एक्स वाई और वाई एक्स हो जाएगी। एक तो हमने एक्स माना है, इसको वाई माना, दो लेटर फॉर्म, दो वर्ड फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन लेकिन एक्स जो है, एक्स के जो फाइव एलिमेंट है इनको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, रहेगा तो वो एक ही जगह मगर जो है आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इसके जो वर्ड बनेंगे ना, ठीक है। तो इफ वी वी अरेंज फाइव लेटर्स Then, क्या होगा, उनका जो अरेंजमेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगे, अरेंजमेंट वो हो जाएंगे आपके 5 30, 5 P 5 लिख लो या 5 30 लेंगे, ठीक है। फाइव लेटर को हमने अरेंज किया तो 5 फैक्टोरियल। इसी तरीके से हम 3 कंसोनेंट को अरेंज करते हैं, इफ वी अरेंज 3 कंसोनेंट, कंसोनेंट लिख दे एक ही बात है कंसोनेंट, तो नंबर ऑफ देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, वो 3 फैक्टोरियल। तो हमने जो है ये हमने ये इनको अरेंज कर लिया, 5 इसको और 3 फैक्टोरियल इसको, लेकिन 2 तो टोटल नंबर जो वर्ड फॉर्म होंगे, टोटल वर्ड वो हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल × 2। 2 के लिए 2 हमने इसी लिया है कि हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं, जो मैंने एक्स वाई और वाई एक्स बताया था, है ना। अगर हम पूरे एक्स
वो विल को एक लेटर एक्स लेते हैं और कंसोनेंट को पूरा लेटर वाई लेते हैं, तो उससे नंबर वाले वाले वर्ड टू होंगे, तो टू से इसने मल्टीप्लाई किया। ये फाइव वोवेल है, फाइव वोवेल को हम आपस में अरेंज कर रहे हैं, इसलिए हमने फाइव फैक्टोरियल किया। और ये कंसोनेंट है, इनको हमने अरेंज किया थ्री फैक्टोरियल इसने किया। अब इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। फाइव फैक्टोरियल का मतलब आप याद भी रख सकते हो, तो वो थ्री फैक्टोरियल का मतलब सिक्स होता है, थ्री टू या सिक्स। फाइव फैक्टोरियल का मतलब है फाइव इंटू फोर, यानी कि ट्वेंटी, 23 जा 60, 62 जा 120, ये 120 होगी, है ना। फाइव फैक्टोरियल का मतलब फाइव इंटू फोर, फोर इंटू थ्री, ठीक है, थ्री इंटू टू, ये कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 720, 720 को मल्टीप्लाई करेंगे टू से, 1440 वर्ड्स बन गए। अगर हम ऐसा करते हैं, जो वर्ड लेटर्स हैं, इक्वेशन इक्वेशंस के लेटर को हम यूज करते हैं और उससे हम वर्ड फॉर्म करते हैं, तो नंबर बनने वाले जो वर्ड्स होंगे, ठीक है, वो कितने होंगे, वो 1440 होंगे। इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई थी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना होता, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। जो वर्ड उन्होंने दिया था इक्वेशन, उसमें उन्होंने बोला कि सारे जो है वो भी एक साथ रखो, कंसोनेंट को एक साथ रखो, ठीक है, तो सारे एक ग्रुप के, ये तो एक साथ ही रहेंगे, लेकिन ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, है ना। पूरे सारे वो आगे रख सकते हो या बाद में रख सकते हो, तो दो ऑप्शन हो गए, है ना। वोविल को हमने या तो आगे रखा है या फिर पीछे रखा है, इसी तरीके से कंसोनेंट को, तो दो ऑप्शन तो ये हो गए। फिर फाइव जो वोविल है उनको हमने अरेंज किया, तो फाइव फैक्टोरियल हो गया, थ्री कंसोनेंट है तो थ्री फैक्टोरियल हो गया। तो इससे है ना कोई एक डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा, ये है ना क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो है ना क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमें कंडीशन लगानी है। अभी तक जो आप कर रहे थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, उसमें या तो अरेंजमेंट था या फिर सिलेक्शन का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे थे हम, या तो एनसीआर का फॉर्मूला यूज हो रहा था या एनपीआर का यूज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये एनसीआर है, एनसीआर का मतलब फाइव नंबर में से फाइव ही नंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फाइव फैक्टोरियल हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, है ना। अननेसेसरी एक स्टेप और बढ़ जाता, थ्री पीआर का मतलब थ्री फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पर आपके पास टू ऑप्शन है, टू फैक्टोरियल हो गया, टू पीआर हो जाएगा, तो टोटल सबसे हमने मल्टीप्लाई कर, ठीक है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैनोपी ऑफ सेवन हैज टू बी फॉर्म, उसके अंदर क्या है, नाइन बॉयज है, उस कॉमेटी के अंदर नाइन बॉयज है और थ्री गर्ल्स है, एक कमेटी ऑफ सेवन हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम नाइन बॉयज फोर गर्ल्स है, फोर गर्ल्स, ये तो टोटल हमें दिए हुए हैं। हमें बनाना क्या है, हम चाहते हैं कि सेवन लोगों की हमें कमेटी बनानी है, तीन गर्लों, पहला वाला पार्ट है, हम ये चाहते हैं कि सिर्फ थ्री गर्ल्स हो। सेकेंड पार्ट है आपका, हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट थ्री गर्ल्स हो, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हम ये चाहते हैं कि एटमोस्ट थ्री गर्ल्स हो। ठीक है, सेवन मेंबर की हमें कमेटी बतानी है, हमें सेवन लोग चाहिए, इसको हम इस तरीके से फॉर्म कर दें। तो हमारे पास गर्ल्स कितनी है, यहाँ पर हमारे पास गर्ल्स है फोर, फोर में से हमें थ्री गर्ल्स है, तो फोर में से अगर हम थ्री गर्ल्स लाए हैं तो आउट ऑफ फोर गर्ल्स वी कैन सेलेक्ट थ्री गर्ल्स, ठीक है, वी आउट ऑफ फोर गर्ल्स वी कैन सेलेक्ट
गर्ल्स इन 4-3-3 वे। यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ हमारे वर्ड नहीं फॉर्म कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो है अरेंजमेंट कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमें 3 गर्ल्स नहीं है, 3 गर्ल्स नहीं है तो आगे पीछे खड़े होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ हमने 4-3-3 ले लिया। हमें 7 लोगों की कमेटी बनानी है, तो बाकी क्या चाहिए, फिर हमें बॉयज चाहिए, तो 3 गर्ल्स हम ले चुके हैं, तो रिमेनिंग हमें 4 बॉयज लेने पड़ेंगे। रिमेनिंग आउट ऑफ 4 बॉयज, 9 आउट ऑफ 9 बॉयज वी हैव टू सेलेक्ट। फोर बॉयज इन 94 वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 94 × 4 3 3, इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, उन्होंने बोला कि कम से कम 3 गर्ल्स हो, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो कम से कम 3 गर्ल्स हो, तो 3 गर्ल्स हो, तो ये 3 गर्ल्स वाला तो हमने ये ऑप्शन लिया हुआ है, एक तो ये हो गया है ना, तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स चाहिए हमें, तो कम से कम 3 गर्ल होनी चाहिए, तो 3 गर्ल्स भी दे सकते हैं, वी कैन सेलेक्ट 3 गर्ल्स 4 बॉयज, और वाले केस में हम प्लस करते हैं, ठीक है। या तो 3 गर्ल्स और 4 बॉयज ले सकते हैं, या 4 गर्ल्स 3 बॉयज ले सकते हैं, तो वो कह रहे हैं कि कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो 3 होनी चाहिए, तो 3 से ज्यादा भी हो जाए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 3 से ज्यादा क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 4 से ज्यादा 5 भी ले सकते हैं, लेकिन 5 हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि है ही हमारे पास 4 गर्ल्स, तो इसलिए हमने जो है 3 गर्ल्स वाला ऑप्शन लिया है और 4 गर्ल्स वाला ऑप्शन लिया है। तो 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, ये 4 3 3 और 9 3 4 और 4 3 4 और 9 3 3, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा दोनों की वैल्यू को हम प्लस कर लेंगे। हमने जो लेना है एटलीस्ट 3 गर्ल्स बोला हमने, ठीक है, फिर क्या है थर्ड वाले पार्ट में उन्होंने बोला है 3 गर्ल्स लेंगे, 3 गर्ल्स लेंगे एट मोस्ट 3 गर्ल्स, तो एट मोस्ट 3 गर्ल्स में आप कोई गर्ल ना ले, ज्यादा से ज्यादा 3 ले लेंगे, यानी कि 4 नहीं लेंगे ना, तो जो है 4 वाली नहीं लेनी है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप जो है आप कोई गर्ल ना लो, एक केस से ये हो जाएगा, आप ऐसे ही कर लो, इसको समझने में आसानी रहेगी कि कोई भी गर्ल नहीं लिया, बाकी सारे हमने क्या ले लिए, बॉय ले लिए, 9 3 4, या फिर हम 1 कर लें, 4 3 1 × 9 3 6 हो गया, या हम 2 गर्ल्स ले लें, 9 3 5 हो गया, या फिर हम 3 गर्ल्स ले, 4 3 3 9 3 4, तो ये 1 2 3 4 केसेस बने, क्यों बने, कि उन्होंने बोला है कि ज्यादा से ज्यादा आप 3 गर्ल्स ले सकते हैं, तो 3 से ज्यादा नहीं ले सकते, है ना, तो 3 से ज्यादा नहीं ले सकते, यानी कि हम 4 नहीं ले सकते, बाकी हम सब ले सकते हैं, तो हमने 3 गर्ल्स वाला भी ऑप्शन ले लिया, 2 गर्ल वाला भी ले लिया, 1 गर्ल वाला भी ले लिया, और 0, तो इन सारे ऑप्शन को लेके हमने जो है अलग अलग निकालेंगे और फिर उनको प्लस कर देंगे। ये वाला ऑप्शन तो हम कई बार इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, 4 3 3 की या हमने यहाँ पर निकाली थी और यहाँ पर भी निकाली है, तो वही वैल्यू पुट कर देना, ये वाली 4 3 3 9 3 4 वाली और 4 3 4 वाली तो हम चाहिए नहीं, अच्छा
वाला वैल्यू निकाल के आपको सबको ऐड करना पड़ेगा, है ना। ये न्यूमेरिकली वैल्यू है, ये फाइंड आउट करनी है आपको खुद। मेथड आप मेरे को मैंने समझा दिया है, इसमें कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं करूँगा तो आपके फिर क्वेश्चन रह जाएंगे। इसमें कोई खास चीज नहीं है, सिंपलिसिटी है, ये आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, यहाँ सबकी अलग अलग वैल्यू निकालने के बाद सबको आप प्लस करते हैं। बस क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन को करा कैसे है हमने, जैसे हमें दिया हुआ था 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, हमें 7 लोगों की कमेटी बनानी है, ये ध्यान रखना है, हमें चाहिए 7। तो ये जो हमने नीचे जो लिखे हुए हैं ये वही लोग हैं जो हमें टोटल चाहिए 7, ठीक है। तो यहाँ पर भी 7 ही हो रहे हैं, यहाँ पर भी देखो 7, इन दोनों का सम भी 7 है, इन दोनों का सम भी 7, इन दोनों का 7, इनका भी 7, ठीक है। और जो कंडीशन दी हुई है, तो पहले वाले में कंडीशन थी ये कि 3 गर्ल्स हों, तो 3 गर्ल्स ही ले लिया हमने। दूसरे वाले में उन्होंने बोला कि कम से कम 3 गर्ल्स हों, तो कम से कम 3 का मतलब, 3 का मतलब है कि 3 भी ले सकते हैं आप, 4 भी ले सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन ले लिए। फिर क्या है आपका, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स ले सकते हैं, यानी कि 4 गर्ल नहीं ले सकते, बस 4 गर्ल वाला ऑप्शन हम नहीं चाहिए, बस चाहिए। तो बाकी हमने ऑप्शन लिख लिया, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो हम सब ऐड कर लेंगे। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वर्ड लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, ठीक है। ये जो वर्ड है एग्जामिनेशन, इसको जो है अगर हम लिखते हैं डिक्शनरी में, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि लिस्टेड एज अ डिक्शनरी हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, ई से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड फॉर्म हो जाएंगे, ये है आपका एग्जामिनेशन। ये है आपके अंदर, इसके अंदर कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमें जो है ई से पहले स्टार्ट बनने वाले लेटर्स कितने बन सकते हैं वो निकालना है। ई से पहले ही जो है वो जो पहले लेटर आएगा वो सिर्फ ए ही आएगा, है ना। तो ई से पहले जो बनने वाले जो वर्ड होंगे ये हमें ध्यान रखना है, वो कौन से हो सकते हैं जिनमें पहले ए आए। अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ए को हमने फिक्स कर दिया, बाकी जो लेटर बचे हमारे पास, बाकी लेटर कौन कौन से बचेंगे, इसको हमने स्टार्ट इसकी पोजीशन फिक्स कर दी, बाकी लेटर भी हमारे पास क्या बच रहा है, 10 लेटर्स बच रहे हैं, ठीक है। तो बाकी एक की पोजीशन फिक्स करने के बाद बाकी हमारे पास जो लेटर बचते हैं वो 10 बचते हैं, उनमें कुछ लेटर रिपीट भी हो रहा है, है ना। लेटर कौन से रिपीट हो रहे हैं, उसमें जो रिपीट हो रहा है वो आपका हो रहा है आई रिपीट हो रहा है, ठीक है। और कोई बताइए, एन रिपीट हो रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है, लेकिन ए तो हमने पहले ले लिया है। अब वो लेने के बाद ए की पोजीशन फिक्स करने के बाद फिर कोई और लेटर रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ आई और एन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहले हमने क्या किया, ई से पहले आने वाला जो लेटर है, ई से आने वाला पहले लेटर जो है सिर्फ ए ही है, तो ए की पोजीशन हमने पहले ही निकाले है कि ई से पहले जो वर्ड बनेंगे वो ए से स्टार्ट होने वाले होंगे। जब हम ए को स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट कर देंगे, ए की पोजीशन फिक्स कर दी, बाकी हमारे पास जो 10 लेटर बचे, ठीक है, तो वी कैन अरेंज रिमेनिंग 10 लेटर आफ्टर फिक्सिंग द पोजिशन ऑफ ए, है ना, लिख देंगे आफ्टर
फिक्स द पोजिशन ऑफ ए एट फर्स्ट प्लेस he can arrange we can arrange remaining 10 letters in 10 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. ये हमने क्यों लिया है कि एक लेटर तो हमने पहले फिक्स कर दिया है ए को, बाकी हमारे पास जो 10 लेटर बचते हैं उनको हम अरेंज करेंगे तो 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन उसमें से क्या हो रहा है, आई भी दो बार रिपीट हो रहा है और एन भी दो बार रिपीट हो रहा है, इससे हमने डिवाइड कर दिया। इसे डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी आपकी 10 फैक्टोरियल 10 को बाहर निकालना आपने 9, इन सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 8 7 6 5 4 3 2। यहाँ पर 2 × 2 है तो 2 × 2 = 4, ये 4 आपने कैंसिल कर दिया, बाकी सबकी मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वो आपका वही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ था कि इफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। अब उसके बाद क्या होगा, ए के जब खत्म हो जाएगा फिर ई के नंबर आया, तो ई से पहले वाले हमने निकालने, ई से पहले वाले हमने निकाल लिए, इनकी संख्या काफी बड़ी आएगी है ना, इसकी तो मल्टीप्लाई करके आपको पता चलेगा, कहाँ से देख लेते हैं आइडिया लग जाएगा आपको, काफी बड़ी नंबर होगी 7.7। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है, देखो ये 9,07,200 आ रहा है, बहुत बड़ी नंबर आ रही है, मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, इसे मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो बहुत देर लग जाएगी, 9 लाख ठीक है 7,200। तो इतने वर्ड पहले बन जाएंगे जो कि ए ई के स्टार्टिंग होने से पहले होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी सिक्स डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 9। Which are divisible by 10 and no digit is repeated. अब 10 से डिविजिबल निकालनी है आपको, ठीक है, आपको कितने डिजिट की नंबर बनानी है, 6 डिजिट नंबर बनानी है, तो 6 डिजिट नंबर बनानी है तो ये डिजिट कितनी है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट है ना, तो नंबर 10 से डिविजिबल कब होगी, नंबर विल बी डिविजिबल will be divisible by 10 जब यूनिट प्लेस पे हम जीरो लेंगे, इफ यूनिट डिजिट जाओ 10, यूनिट डिजिट जीरो, तो जीरो हमने तो यहाँ पर ले लिया, जीरो की पोजीशन तो हमने यहाँ फिक्स कर दी है ना, जैसे हमने ए की पोजीशन फिक्स कर दी, तो रिमेनिंग जो 5 नंबर्स हैं, तो रिमेनिंग 5 आप कहीं भी ले सकते हैं, तो रिमेनिंग
फाइव नंबर्स कैन बी अरेंज इन फाइव फैक्टोरियल वे। फाइव फैक्टोरियल का मतलब कितना है? 110 है ना, 5 × 4 × 3 है। तो 5 फैक्टोरियल तो याद ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं, आप बार बार मल्टीप्लाई ना करना पड़े, तो 120 हो गया ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर हम जो है हमें वो नंबर निकालनी थी फिजिक्स की जिसकी वो 10 डिग्री लाने के लिए जरूरी क्या है, यूनिट पे हम चले जीरो ले, तो जीरो की हमने पोजिशन फिक्स कर ली। जैसे यहाँ पर हमने एक ही पोजिशन फिक्स कर ली थी, यहाँ पर हमने जीरो की पोजिशन फिक्स कर ली। बाकी जो नंबर्स हैं, रिमेनिंग नंबर जो भी हैं, उनको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इनको इंटरचेंज करेंगे तो कितने कितने नंबर बन जाएंगे, वो बन जाएंगे आपके 100 बस। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें कोई खास चीज नहीं थी। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवेल एंड 21 कंसोनेंट, हाउ मेनी वर्ड्स विद आर विद 2 डिफरेंट वोवेल एंड 2 डिफरेंट कंसोनेंट कैन बी फॉर्मड फ्रॉम द अल्फाबेट। ठीक है, 5 वोवेल है और 21 कंसोनेंट, ये आपको पता ही है, 5 वोवेल और 21 कंसोनेंट। इसमें से हमें 2 वोवेल चाहिए, तो 2 वोवेल वी कैन सेलेक्ट इन 5C2 वे। पहले हम सिलेक्शन करना पड़ा है, इसमें अलग क्वेश्चन है। पहले उन्होंने बोला है कि 2 ही वोवेल लेने हैं आपको, है ना, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो 2 वोवेल में से हमें 5 वोवेल में से 2 वोवेल हमने सिलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से 21 कंसोनेंट है ना, तो हमें इसमें भी 2 कंसोनेंट दे रहे हैं, तो वी कैन सेलेक्ट 21C2 भी। मतलब हमने क्या किया है, पहले 2 वोवेल हमने निकाले 5 वोवेल में से और 2 कंसोनेंट, फाइव वोवेल में से अगर हम 2 वोवेल लेते हैं तो 5C2 वे हो गए, और 21 कंसोनेंट में से 2 कंसोनेंट ले रहे हैं तो 21C2 हो गए। अब हमारे पास 4 लेटर्स हो गए। ठीक है, नाउ वी कैन अरेंज four letters in 4 factorial way। ठीक है, जो 4 लेटर है उनको हम अरेंज करना चाहे तो 4 factorial ways में होगा। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, है ना, अब क्योंकि जो वोवेल है वो कोई भी वोवेल हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड वो होंगे आपके 5C2 × 21C2 × 4 factorial, ये इस तरीके से।
ठीक है, तो तीन प्रोसेस हुए, तीन प्रोसेस जगह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सेम वैसे ही है। पहले हमने वो भी सेट किए, फिर कंसोनेंट सेट किए, फिर जो लेटर आ रहे हैं हमारे पास वो उनको अरेंज किया। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो होंगे वो इसके अपॉन डिपेंड करेंगे, जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो लेटर क्या है, फिर उनसे अरेंजमेंट हो। तो टोटल उनकी जो संख्या होगी, नंबर ऑफ वर्ड्स की जो संख्या होगी, वो हमें यहाँ के प्रोडक्ट से पता चलेगा। ठीक है, ये आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें खास चीज नहीं है। ठीक है, अगर देखो 5C2 है, 5C2 का मतलब है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 19 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब, ठीक है, 4 3 12, 12 2 24, ये 24 होता है। तो इसमें आपने 5 को बाहर निकाला, हमने 4 को बाहर निकाला, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 रह गया। यहाँ 21 को बाहर निकाला, 20 आया, 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 आ गया, ये 24 है। 2 2 जो 4, ये 4 कैंसिल कर लो, ठीक है, ये आ जाएगा 24, बन गया 24, 24 2 48, 48 मैं 2 ऐड करा, 50, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5050 वाट, है ना। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि छोटा था मैंने खुद कर दिया है, क्या किसी ज़्यादा बड़ी भी थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 5004, एक 0 कम आ रहा है, ठीक है। ये हमने किया था 5 10 है, 100 हो गया है ना, 100 हो गया, ये 1 0 हो रहा है, ठीक है। ये हमारे 24 से 21 से मल्टीप्लाई करी तो 504 आ गया, है ना। 5 की 20 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि 550,400 आ गया, इतने वर्ड फॉर्म, ठीक है। बस इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी थी कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन ये क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पार्ट 1 क्वेश्चन, पार्ट 1 और पार्ट 2, दो पार्ट में डिवाइडेड है। क्वेश्चन पेपर के अंदर 12 क्वेश्चन हैं, इसके अंदर क्या कंडीशन दी हुई है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंटेन 5 एंड 7 क्वेश्चन रेस्पेक्टिवली। अच्छा, पार्ट 1 में 5 है, इसमें पार्ट 2 में 7 है। A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select the question? अच्छा, 3 जो है हर पार्ट से लेंगे, टोटल हमें 8 क्वेश्चन लेने हैं, और 3 जो है ईच पार्ट के अंदर होने चाहिए, हर पार्ट के अंदर 3 क्वेश्चन होंगे, ये कहने का मतलब। तो हमें जो है टोटल 8 क्वेश्चन चाहिए, तो 8 क्वेश्चन में चाहिए, अगर मैं है ना 5 यहाँ से लेता हूँ तो 3 यहाँ से ले सकता हूँ, है ना। 5 से आते तो इसमें से ले नहीं सकते, 4 यहाँ से ले सकते हैं तो 4 यहाँ से ले लेंगे, 8 हो जाएंगे, यहाँ से 3 लेंगे तो यहाँ से 5 लेंगे, बस। भाई पार्ट हमें टोटल क्वेश्चन चाहिए 8 चाहिए, चलो अभी से करते हैं, ठीक है। ऊपर तरफ देखो बेटा, 3 से 3 तो हमें लेने ही होंगे हर पार्ट से, ठीक है। तो वी कैन इफ वी सेलेक्ट
थ्री क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट वन। जो देन फाइव क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट वन एंड फाइव क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट टू। देन नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे आपके? जो पहला वाला पार्ट है 5C3 एंड देखो एंड वाले केस में फ्रॉम पार्ट वन एंड फाइव क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट पार्ट सेकेंड देन नंबर ऑफ वेज जो होंगे 5C3 एंड 7C5। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक भी सिलेक्ट फोर क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट वन है ना, एंड ठीक है फोर क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट सेकेंड देन नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 5C4। पॉसिबल होगा या ये या ये तीनों और में केस है ना, तो और में हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। ठीक है टोटल वेज जो हो जाएंगे, टोटल वेज में आप क्या करेंगे आप सबको प्लस कर देंगे है ना। एंड वाले केस में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ क्या था, यहाँ पर एंड आ रहा था, यहाँ पे और है, या तो ये होगा है ना या ये वाला ऑप्शन होगा 5C4 × 7C4 + 5C5 + 7C3।